राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। विधायक दल की बैठक में राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली पर्यवेक्षक टीम ने आलाकमान द्वारा प्रस्तावित भजन लाल शर्मा का नाम आगे बढ़ाया। इसके 15 मिनट बाद ही सीएम के नाम पर मुहर लग गया। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। राजस्थान में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। बीजेपी हाईकमान ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर एक बार फिर सबको चौंका दिया। भजन लाल शर्मा को सीएम चुनकर बीजेपी ने नए नेतृत्व की सिर्फ शुरुआत नहीं की, बल्कि बीजेपी यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार में भी वोटरों को साधने की कोशिश की। आपको बता दें कि यूपी में 12% के आसपास ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं, हिमाचल में 18%, तो वहीं मध्य प्रदेश में 6%, बिहार में 4% ब्राह्मण है। दरअसल अभी तक 4 राज्यों में से एक भी ब्राह्मण चेहरे को सीएम नहीं बनाया गया था। ब्राह्मण डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण को सीएम के पद पर चुनकर एक ही झटके में ये धारणा तोड़ दिया कि ब्राह्मणों को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ेगा। सवाल ये भी आ रहा है कि आखिर जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे। शुरू से ही लो प्रोफाइल रहने वाले भजन लाल शर्मा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सरपंच के तौर पर की थी। इसके बाद वे पंचायत समिति के सदस्य भी बने। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बागी बनकर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे पहले वह पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। संघ से भी नजदीकी का लाभ उन्होंने उठाया। राजस्थान के वर्तमान प्रांत प्रचारक निम्बाराम कभी भारपुर में सह प्रांत प्रचारक के पद पर थे, ऐसे में वह संघ के करीब आने लगे। भजन लाल शर्मा के सीएम बनने के इनसाइड स्टोरी की अगर बात करें तो बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवर्धन परिक्रमा के लिए भरतपुर आते रहते थे। जब वह जिला अध्यक्ष थे तो जेपी नड्डा के उनके अच्छे संबंध माने जाते थे। हालांकि उस वक्त नड्डा पार्टी अध्यक्ष नहीं थे। पीएम मोदी और शाह ने सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही भजन लाल को सीएम बनाने की पटकथा लिखी थी। बता दें कि सांगनेर सीट से बीजेपी ने जयपुर के पूर्व मेयर और निर्वर्तमान विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया था। सांगनेर सीट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं ये पहले से ही तय था कि वसुंधरा को सीएम नहीं बनाया जाएगा, इसलिए पार्टी ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो वसुंधरा और संघ की नजर में सबसे सही हो। बता दें कि पहले सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष बने थे, उन्होंने भजन को राज्य का महामंत्री बनाया। बताया जा रहा है कि भजन लाल की संघ और जोशी से करीबी की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। इस तरह से राज्य में 33 साल बाद ब्राह्मण सीएम बना। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाकर ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की। साथ ही राजपूतों की नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया। दिया कुमारी के जरिए बीजेपी ने महिलाओं को भी साधने की कोशिश की। प्रेमचंद्र बैरवा के जरिए बीजेपी ने दलितों को साधने की कोशिश की है। इस तरह से बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नई टीम बनाकर जातिगत समीकरण साधा है। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स।